लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। जिन सीटों पर मतदान हुआ वहां की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन एक ऐसा बूथ भी है जो लोकतंत्र के महापर्व के दौरान सूना पड़ा रहा, जहां कोई वोट डालने नहीं पहुंचा। ये वीडियो जो आपने अभी देखा, ये शामली जनपद में कांधाला क्षेत्र के गाँव रसूलपुर गुजरान का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरे बूथ पर सन्नाटा छाया हुआ है। बूथ इंचार्ज खाली बैठे हुए हैं, गिने चुने लोग वोट डाल रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों ने मोदी सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया। क्या है इसकी वजह, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या नाम सर आपका? अच्छा प्रधान जी, जिस तरह से ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है और वो मतदान चल रहा है? 2019 में चुनाव हुआ था जी, सांसद की वोट पड़ी थी बीजेपी की, 94% हो गया था। तो यहाँ झगड़ा हो गया था जी स्कूल में, तो लोगों ने फर्जी मुकदमे लिखे गए, 5 साल हुए किसी ने सुनवाई नहीं करी, इस चीज़ का विरोध है। तो जैसे सुबह तक एक भी वोट नहीं डाला गांव में, इससे क्या संदेश देना चाहूँगा? इससे संदेश जाएगा जी, शासन पर संदेश जाएगा, हमारा निष्कार हो कुछ और हम विरोध डाल लें। तो अब क्या निर्णय लिया गया, वोट डालोगे या नहीं डालोगे? नहीं डालेंगे जी, इतना हमारा कुछ संशोधन नहीं होगा। कौन से गाँव का मामला? रसूलपुर गुजरान। तो शामली के कांधाला थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर गुजरात में ग्रामीणों ने फर्जी मुकदमे होने के चलते चुनाव का बहिष्कार किया है। कोई भी यहां मतदान केंद्र पर मतदान करने नहीं पहुंचा। बूथ फोर्स भी मौके पर तैनात थी। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर एक मत होकर यह ऐलान किया। इससे पहले भी ग्रामीणों ने इस फैसले की जानकारी प्रशासन में राजनीतिक लोगों को दे दी थी। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस गांव का कोई भी मतदाता वोट नहीं करेगा। कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर दिखाई नहीं दिया, बल्कि ग्रामीण मतदान केंद्र से दूर एक जगह पर इकट्ठे होकर विरोध कर रहे थे। क्षेत्र के भाजपा नेता, विधान परिषद सदस्य, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह रसूलपुर गुजरान में पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। अब देखना होगा कि चुनाव बहिष्कार के बाद भी इन ग्रामीणों की सुनवाई हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।